मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। दोस्त के साथ मिलकर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को अजन कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई रीवा जिला न्यायालय के अपर चतुर्थ न्यायाधीश ने। दोस्त को मारकर कुएं में फेंकने के आरोप में रीवा में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा चतुर्थ अपर न्यायाधीश ने सुनाई। सजा इसी मामले में एक आरोपी अभी भी फरार। अतिरिक्त लोक अभियोजक शासकीय अधिवक्ता डीएन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, 2009 में हुई हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए आदित्य वर्मा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लगभग 14 साल बाद मामले में फैसला आया। हम आपको बता दें, आदित्य वर्मा पर आरोप था पैसे के लेन देन को लेकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर विजय सोंधिया निवासी मसुआ की हत्या उसके ही अहरी में कर दी थी और शव को बांधकर कुएं में फेंक दिया था। उक्त मामले में साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। आइए आपको सुनाते हैं लोक अभियोजक टीएन मिश्रा ने मामले की जानकारी लेते हुए क्या कुछ बताया। उनका साफ तौर से कहना है, अभियुक्त ने मारने के बाद जब उसकी आंत उसके पेट से बाहर निकल आई तो उन्होंने वहीं पर से चादर और रजाई में उसके शरीर को लपेटा और रस्सी से बांधकर उसी के कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान सारे मामले पर बारीकी से तफ्तीश की, दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। मामले को न्यायालय में पेश किया गया जहां पर मेरे द्वारा पैरवी की गई। जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आर के शर्मा की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। आइए आपको सुनाते हैं सरकारी वकील पूरे मामले को लेकर डीएन मिश्रा क्या कुछ बता रहे हैं, आप भी सुनिए। ये मुलजिमगढ़ इसको उठा करके ले गए थे और साक्ष को मिटाने के लिए इन लोगों ने एक चद्दर और रजाई के अंदर इसकी बॉडी को, माने पहले तो धारदार हथियार से मारा, इसको चोट लगी और इसकी आंत बाहर आ गई तो उसको लपेट करके रजाई और उसके ऊपर एक चद्दर और रस्सी से बांध करके इसको ले जा करके इदारा में फेंका था। जब चिकित्सक का साक्ष्य हुआ तो चिकित्सक ने इस सारी बात को अपने मुख परीक्षण के दौरान उसको बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव और आंखों के बाहर आ जाने की वजह से इसके मृत्युकालीन हुई है, जिस पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर के शर्मा साहब ने इसको दोषी पाया और 302-201 दोनों अपराधों में इसको दोषित पाया। 302 में इसको आजन्म कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का प्रत्यक्ष कारावास और धारा 200 में 3 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की राशि अदा 2,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में 9 महीने का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया। मुलजिम को जेल भेज दिया गया है और इसी मामले में एक अभियुक्त रब्बा उर्फ राजेश अभी फरार। हत्या लेन देन के विषय में थी क्योंकि ये आपस में एक ही जगह काम करते थे और रंजिशन इन लोगों ने इसको मार करके और साक्ष्य को मिटाने के लिए इसको बांध करके और कुएं में फेंक दिया, लेकिन पुलिस की तत्परता से ये मामला खुला और न्यायालय ने आदित्य वर्मा को आजीवन कारावास की सजा। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? एक फरार है। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।